हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद कर लेने हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए, संवेग होता है गुणनफल किसका किसका, द्रव्यमान का, ठीक है, द्रव्यमान का और किसका, वेग का। तो इसी तरह आप इस फॉर्मूले से द्रव्यमान का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वेग का भी निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का क्या हो गया, संवेग अपॉन वेग, यानी संवेग और वेग को जब आप डिवाइड कर देंगे तो द्रव्यमान की वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, संवेग और वेग का जो अनुपात होगा वो द्रव्यमान कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है किसका। तो बल गुणनफल होता है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का, किसका, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। सामान्य रूप से संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है। देखिए, सदिश राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी कि डायरेक्शन होते हैं, तो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सभी जो है सदिश राशि हैं। और वे राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है मगर उसमें दिशा नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है अदिश राशियां, ठीक। जैसा कि नाम में आप देख रहे हैं अदिश, यानी कि उसमें दिशा नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है चाल, द्रव्यमान, तापमान, आयतन और एनर्जी यानी ऊर्जा। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो जो सदिश राशि नहीं है वो है आयतन, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशि है और आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको याद करना है फॉर्मूले भी। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो जो त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन होता है और बाकी आपका वी माइनस यू, यू जो है स्टार्टिंग होती है डिस्टेंस्ड और ये फाइनल होती है, और यहाँ पे आपका टी जो है टाइम होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कितनी और मतलब क्या कहलाती है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो जो आपका ऑप्शन सी यानी कि जो बीटा किरण है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, जिनमें अल्फा किरणें जो है धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, ना उसमें पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है फॉर्मूला भी, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से कर सकें। तो होता है यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ये होता है द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भी दो है, प्रोटॉनों की संख्या भी दो है, तो दो प्लस दो ये हो जाएगा चार हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये होता है क्या, देखिए तृतीय और चतुर्थ यानी कि तीसरे और चौथे ग्रुप यानी समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य एसिडिक यानी कि गुणधर्म क्या होता है, ये होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, और क्षारीय दोनों यानी कि एसिडिक भी होता है और आपका यहाँ पे क्षारीय यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या गैलीलियो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप की खोज की थी किसने? गैलीलियो ने, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार जो है इटली के वैज्ञानिक, आविष्कार होगा यहाँ पे, इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में गैलीली दिया जाता है तो उसको कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही मतलब उनका नाम ही है, गैलीलियो गैलीली। 1609 में किया था, टाइम भी आपको याद रख लेना है। और गैलीलियो को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता और आधुनिक विज्ञान का पिता, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टाइम 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 यानी कि ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, और ये जो शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं अपितु कशेरुक रज्जु द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा ये भी जो पॉइंट पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, प्रामस्तिक, अनुमस्तिक, कशेरुक रज्जु या तंत्रिका कोशिका। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है और यह एक बेलनाकार संरचना होती है इसकी, ठीक है। किसकी कैसी संरचना होती है? बेलनाकार होती है जो मेडुला एस्टागेटा से प्रारंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। बट इतना आपको ध्यान नहीं देना, बस जो मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, कशेरुक रज्जु में, और इसका संरचना बेलनाकार होती है, इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतरस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आपका TSH, ठीक है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर इसमें बता दे रही हूँ क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ये होती है कहाँ पर? अंडवाहिनी में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, कुछ हम लोग जी के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, आसान क्वेश्चन है, तो ये जाना जाता है किसको? क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है
ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जी के IRDP यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978 में छठी पंचवर्षीय योजना के समय पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बाद में जो प्रोग्राम था ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया। क्या याद कर लेना है आपको? सिंपल, इसका एम क्या है और किस योजना में आया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।